जय महाराष्ट्र दोस्तों, मेरा नाम स्वप्निल माड़कर। यहाँ पे मैं आपको मराठी टाइपिंग कैसे करनी है यह सिखा रहा हूँ। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द जल्द सब्सक्राइब करो। और आज हम मराठी टाइपिंग कि बारह खड़ी टाइप करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है। यहाँ पे मैंने फॉन्ट लिया है कृतिदेव 50 करके। ये फॉन्ट आपके पीसी में कैसे इंस्टॉल करना है इसका वीडियो भी मैंने बनाया है, आप वहाँ से ये फॉन्ट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने फॉन्ट लिया है कृतिदेव 050। इसका साइज मैंने कर दिया है 20। तो यहाँ पे आज हम 12 खड़ी टाइप करने वाले हैं। तो 12 खड़ी का पहला अक्षर है क। हम यहाँ पे 12 खड़ी टाइप कर रहे हैं को, को और उसके बाद उसको काना काना। आपने याद तो 6 की 6 लाइन कर ली होंगी, इसलिए आपको काना कहाँ पे अभी आज ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पहली वेलेंटी क स्पेस क, दूसरी वेलेंटी स्पेस क, पहला उकार स्पेस क, दूसरा उकार स्पेस क, एक मात्रा स्पेस क, दोन मात्रे स्पेस क, एक काना और एक मात्रा स्पेस क, एक काना और दोन मात्रे स्पेस क, और उसके ऊपर अनुस्वार क और यहाँ पे दो पूज्य। ये दो पूज्य जो है वो हर फॉन्ट में अलग अलग जगह पे हो सकता है। यहाँ पे कृतिदेव में फिर से देखो क क काना, पहली वेलेंटी क, क दूसरी वेलेंटी क, पहला उकार क, दूसरा उकार स्पेस क, एक मात्रा स्पेस क, दो मात्रे स्पेस क, एक काना एक मात्रा स्पेस क, एक काना दो मात्रे स्पेस क, वर्टिम्ब स्पेस क और दो पूज्य। दोस्तों तो ये हमें आज कम से कम 10 बार टाइप करना है। फिर उसके आगे दूसरा शब्द आता है ख। अभी यहाँ पे ख आता है तो उसे हमें काना टाइप करना है। फिर आगे स्पेस देके ख, एक काना और एक बार काना स्पेस, पहली वेलेंटी ख, दूसरे काना स्पेस ख, एक काना और दूसरी वेलेंटी स्पेस ख, काना पहला उकार स्पेस ख, काना दूसरा उकार स्पेस ख, काना एक मात्रा स्पेस ख, काना दो मात्रे ख, काना और एक काना एक मात्रा स्पेस ख, काना और एक काना दो मात्रे स्पेस ख, टिम्ब ख और दो पूज्य। फिर से देखो ख, खा, खी, खी, खु, खु, खे, खै, खो, खौ, खम, खा। तो दोस्तों हमें इसे भी आज 10 लाइन टाइप करना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आप सिर्फ 10 ही लाइन टाइप करो, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आपको अच्छी टाइपिंग सीखनी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइन टाइप करो। आज मैंने आपको 10 बोला, आप 20 भी कर सकते हो, 30 भी कर सकते हो, लेकिन 10 से कम कोई भी बिल्कुल न करे। उसके बाद ग,
ग का, पहिली वेंटी गी, दुसरी वेंटी गी, पहिला उकार गु, दुसरा उकार गु, ग एक मात्रा, ग दो मात्रे, ग काना एक मात्रा, ग काना दो मात्रे, ग टिम्ब, ग दो पूज्य स्पेस। तो दोस्तों इस तरह आज हमें 12 खड़ी टाइप करनी है, इसे भी हमें आज 10 लाइन टाइप करनी है, और कम से कम आपको 10 लाइन टाइप करनी ही है, उससे कम आप बिल्कुल भी ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइप करें। तो यहाँ पे दोस्तों 12 खड़ी, मैं आपको सिर्फ 12 खड़ी अभी यहाँ पे पूरी टाइप करने वाला हूँ, आप एक शब्द का 10 बार टाइप करना है। अभी ये ग आप 10 बार करो, फिर ये घ, अगर दोस्तों आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा होगा तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके बाद छह, अगर दोस्तों टाइप करते वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी कुछ मिसिंग है, या आपको फिर याद लाइनें याद नहीं है, तो दोस्तों आज आप एक ही दिन में पूरी 6 की 6 लाइन टाइप कर सकते हो, और आपको लगे कि हाँ अभी हमारा पूरा याद हो गया है, तभी आप ये 12 खड़ी शुरू करो टाइप करना। तब तक प्लीज़ आप पहले 6 लाइन जो है ना उसको परफेक्टली सीखो कि कौन से उनसे कौन सा बटन दबाना है। इसके आगे ज, जा, जी, जी, जू, जू, जे, जई, जो, जम, जहा, एंटर। उसके फिर ज, उसके बाद त्र। तो यहाँ पे दोस्तों त्र जो है यह हमें हम दो प्रकार टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप कृतिदेव फॉन्ट यूज़ कर रहे हो तो ये जो त्र है ना वो बैकपीस के बाजू में जो प्लस का बटन है जिसे हमें शिफ्ट दबा के प्रेस करना है, ये जो त्र का बटन है वह बैकपीस के बाजू में जो प्लस का बटन है प्लस उसे हमें प्रेस करना है, वहाँ पे वो त्र शब्द आपका आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ फॉन्ट में वह आपको अलग से मिल जाएगा, जैसे कि अगर आप ISM यूज़ कर रहे होंगे तो ISM में आपको अगर त्र टाइप करना होगा तो आप त दबा के, ये जो त है वो दबा के आप प्र दबा सकते हो, प्र मतलब जो ये वाला प्र जो 3 नंबर की लाइन में हमें हम उंगली से दबाते हो, 3 नंबर की लाइन में पहला अक्षर। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको जानबूझ के कभी भी ABCDXZ ये शब्द मैं आपको कभी भी नहीं यूज़ करता, और आप भी
ये शब्द कभी यूज मत करना, क्योंकि उससे थोड़ा आपका मिसगाइड हो सकता है। अगर मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया कि आप त दबाओ मतलब आर दबाओ, और मैंने आपको बोल दिया कि आप झेड़ दबाओ, तो ये गलत है। हमें झेड़ ध्यान में ही नहीं रखना, हमें आर ध्यान में ही नहीं रखना, हमें सिर्फ ध्यान में क्या रखना है कि कौन से उंगली पे वो बटन आता है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आपको त दबाना है और आपको प्र दबाना है। जिस हम तीन नंबर की लाइन में जो पहला अक्षर है जो हमने सीखा है प्र ग ब प्र ग ब, उसमें से जो पहला प्र है वो हमें यहाँ पे यूज़ करना है। दोस्तों वो प्र का यूज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, जैसे कि द और उसके पीछे द्र, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और प के जो बीच में आता है उसको भी हम यूज़ कर सकते हो, लेकिन एक सीखना है इसलिए हम उसको प्र कह के सीख रहे हैं, जिसका यूज़ हम तीन जगह पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बोला कि अभी हम कृतिदेव फॉन्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे प्लस दबाना है, तो यहाँ पे त्र आ जाता है। अगर आप ISA में टाइपिंग कर रहे हो तो आप त दबा के प्र दबाओ, वहाँ पे त्र हो जाएगा। त दबा के प्र दबाना है आपको, आपका वहाँ पे त्र हो जाएगा। वैसे ही ये हर एक फॉन्ट में अलग अलग से हो जाता है। यहाँ पे त्र पूरा हो चुका है, अब हम यहाँ पे ठ टाइप करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी न हो इसलिए थोड़ा मैं फास्ट टाइपिंग कर रहा हूँ, और आपको हर एक चीज़ अभी बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आपने पहले ही सभी लाइनें याद कर ली है। इसलिए बस यहाँ पे कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जिन्हें बताना ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया त्र, ये चीज़ थोड़ी ज़रूरी है। आने वाला और दो शब्द है जिसको बताना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको ये कर रहा हूँ, लेकिन अभी आपको सिर्फ मैं अभी शॉर्टकट में बता रहा हूँ। ये आगे का शब्द ड है, उसके बाद में ढ है, उसके बाद में न है, यहाँ पे न आधा आता है, इसको काना लगाना पड़ेगा आपको, न को आपको काना लगाना पड़ेगा, फिर तो थ आधा है उसको काना लगाना पड़ेगा, जो भी शब्द आधे है उसको आपको एक काना लगाना पड़ेगा। ये आगे की 12 कड़ी है दोस्तों, आपको हर एक शब्द के 10 दस कम से कम 10 10 लाइन टाइप करनी है। यहाँ पे फ, ये जो फ है वो आपकी दो नंबर आपकी पांच नंबर की लाइन में पहला बटन है, पांच नंबर की लाइन में पहला बटन आपका फ आता है। दोस्तों मैं आपको जानबूझ के वहाँ पे ABCD का कौन सा शब्द है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, सिर्फ पांच नंबर की लाइन और पहला अक्षर जो आप करुंगले से दबाते हैं। लेकिन अभी कुछ कुछ ISA में, अगर आप ISA में गए तो आपको ISA में ये फ नहीं आने वाला है, ISA में आपको प टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके जो पांच नंबर का लाइन का अक्षर है वो आपको टाइप करना पड़ेगा, फिर वो आपका फ हो जाएगा। ये मैं आपको ISA के बारे में बता रहा हूँ कि ISA में आपको प दबाना है और शिफ्ट प्रेस करके पाँच नंबर की लाइन उसका पहला अक्षर दबाना है तो आपका फ हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम कृतिदेव फॉन्ट इंस्टॉल कर रहे यूज़ कर रहे, तो हमें सिर्फ शिफ्ट दबा के पांच नंबर की लाइन का पहला अक्षर दबाना है फ। फिर आगे का शब्द यहाँ पे ब आता है, भ म य व श, शिफ्ट प्रेस के फिर दूसरा श, पांच चार नंबर लाइन का स ख लो, दोस्तों इस तरह आपको इन सभी शब्दों की 12 खड़ी कम से कम 10 लाइन टाइप करनी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। जैसे आपकी ये 10 10 लाइन टाइप हो जाएंगी आपका
तो आने वाले वीडियो में मैं आपको शब्द किस प्रकार टाइप करने वाला हूँ ये सिखाने वाला हूँ। धन्यवाद।